नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 16 दिसंबर 2023 की दोपहर 3:47 पर सूर्यदेव अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 14 जनवरी 2024 तक सूर्य धनु राशि में ही गोचर करने वाले हैं। सूर्य की बदल रही चाल सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, यह जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सूर्यदेव आपके राशि के स्वामी हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ प्रभाव दे सकते हैं और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर सूर्य का ही प्रतिनिधित्व और आधिपत्य होता है। सूर्यदेव एक राशि में एक महीने तक रहते हैं और सभी 12 राशियों का एक चक्र पूरा करने में एक वर्ष का समय लगता है। कुंडली पर सूर्य के बलवान होने पर आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता जातक के अंदर मौजूद होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र विशेष में सफलता अर्जित कर सकता है और अपने अंडर में कई लोगों को काम कराने के लिए सक्षम होता है। सूर्य प्रभावी हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। सूर्य के बलि होने पर सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयास में ही बड़ी सफलता मिलती है। कुंडली पर सूर्य के पीड़ित होने पर, यानी सूर्य अगर शनि राहु केतु के प्रभाव में हो, अस्तगत हो, यानी डिग्री वाइज कमजोर हो, हड्डियों में समस्या, आंखों जनित बीमारी, पीलिया की बीमारी, हृदय जनित समस्या शरीर में दिखाई देती है, वहीं सूर्य के पीड़ित होने पर पिता तुल्य लोगों के साथ भी संबंध खराब रहता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सिंह राशि वाले जातकों, सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं, यानी आपके प्रथम भाव के स्वामी माने जाते हैं। 16 दिसंबर 2023 को सूर्यदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली का पंचम भाव त्रिकोण भाव भी कहा जाता है। इस भाव से संतान शिक्षा, प्रेम संबंध, आर्थिक उन्नति, मंगलकारी काम, ननिहाल पक्ष, मान सम्मान और छाती के निचले हिस्से का विचार करते हैं। सूर्य आपके पंचम भाव पर प्रभावी होंगे, आपके जीवन में कई प्रकार की सकारात्मकता देने वाले हैं। सबसे पहले तो सिंह राशि वाले जातकों को पिछले समयावधि से यदि अधिक मेहनत करने के बावजूद कर्म क्षेत्र में आपको नकारात्मकता मिल रही थी और मेहनत का परिणाम आपको ना के बराबर मिल रहा था, सूर्यदेव आपके जीवन में आपकी कई मनोकामनाओं की पूर्ति करवाने वाले हैं और मेहनत का भरपूर परिणाम आपको देने वाले हैं। पंचम भाव पर प्रभावी सूर्य कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ मुकाम आपको देंगे, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए भी यह समय आशा के अनुरूप रहने वाला है।
पंचम भाव पर सूर्य के प्रभावी होने से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति, धन के माध्यम में वृद्धि होगी और इस समयावधि में आमदनी के स्रोतों में भी आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है। सूर्यदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखने वाले हैं। व्यापारिक क्षेत्रों से पर्याप्त धनार्जन सिंह राशि वाले जातक करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में मान सम्मान में इजाफा होने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों का सामाजिक दायरा भी बढ़ जाएगा और पारिवारिक जीवन में भी मान सम्मान भरी स्थितियां आपको देखने के लिए मिल सकती है। सूर्यदेव के प्रभाव से सिंह राशि वाले जातक नई योजनाओं को फलीभूत कर सकते हैं, यानी यदि आप किसी प्रकार की योजना मन में सोचकर चल रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, यदि आप उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं, यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। सूर्य के ही शुभ प्रभाव से सिंह राशि वाले जातकों के रुके हुए कार्य आपके आसानी से बन सकते हैं। पिछले समयावधि से यदि आपके बहुत सारे कार्य पेंडिंग में पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, उसके पूरे होने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। हालांकि सूर्यदेव पंचम भाव पर प्रभावी होंगे, इस समयावधि में प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव दे सकते हैं। सूर्य को गर्म ग्रह माना जाता है। पंचम भाव पर सूर्य की उपस्थिति प्रेम जीवन में विच्छेद और वैचारिक मतभेद भी करवा सकती है। इस प्रकार का प्रभाव सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पड़ने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए, सूर्य जनित शुभता को अर्जित करने के लिए सिंह राशि वाले जातकों को सूर्योदय के पहले सोकर जरूर उठ जाना चाहिए और सूर्य को यदि आप सुबह जलाभिषेक करते हैं, जल अर्घ देते हैं और ओम घृणित सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं, यह स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः शिवाय।